मोरबी हादसे पर कांग्रेस ने फुल पॉलिटिक्स शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर सवालों की बौछार शुरू कर दी। कहा कि मोरबी हादसे को लेकर वो सरकार से बार बार सवाल करते रहेंगे। बहुत प्रयास किए जाएंगे कि ये मुद्दा शिफ्ट हो जाए, लोगों का ध्यान मोरबी से अलग किसी और मुद्दे पर ले जाया जाए। हम आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं, इस मुद्दे पर से ध्यान मत हटने दीजिएगा, क्योंकि 200 के लगभग 191 तो लाशें मिल चुकी। इन सब का कर्ज है हमारे और आपके ऊपर। अगर हम इनसे ध्यान हटा देंगे तो कोई सरकार अपनी जवाबदेही नहीं मानेगी कभी भी, उन्हें कोई डर नहीं होगा। सरकार पर डर होना जरूरी है, नहीं तो ये तो तमाशा करते रहेंगे, टोपी लगा के नए नए कपड़े पहन के तमाशा रोज सुबह से शाम तक, भले कोई मर रहा हो, कोई जी रहा हो, पुल गिर रहे हो, लोग घायल हो, लोग परेशान हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें फर्क तब पड़ेगा जब हम बोलेंगे और आप उस बात को चलाएंगे और आप उस पर ध्यान रखेंगे। जिम्मेदारी अब हम पर और आप पर आ गई, सरकार पर कोई जिम्मेदारी मत मानिएगा, है ही नहीं इन पर कोई जिम्मेदारी। अगर होती तो इस तरह की कंपनी को जिसका कोई अनुभव नहीं है ये काम नहीं दिया जाता। अगर कोई जिम्मेदारी महसूस करता तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट देखा जाता, और हम जानना चाहते हैं क्या अहमदाबाद मेट्रो का फिटनेस सर्टिफिकेट है, क्या ये जल्दबाजी में तो नहीं शुरू कर दिया, क्या अटल सेतु का फिटनेस सर्टिफिकेट है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।